हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है और मेरे कमेंट बॉक्स पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारे असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उसे दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। आप 31 मई तक आप अपने असाइनमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या इग्नू असाइनमेंट की लास्ट डेट दोबारा से एक्सटेंड करेगा? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि क्या असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उसे दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, इग्नू की जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड करके 31 मई किया गया था और 31 मई जो है वो आने वाली है। ऐसे में स्टूडेंट जो है वो सोच रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट की लास्ट डेट अभी दोबारा से एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं लेट एडमिशन कंफर्म होने की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका लेट एडमिशन कंफर्म हुआ है, जैसे बीसी एमसीए के स्टूडेंट्स, जो सेमेस्टर प्रोग्राम है उसके स्टूडेंट्स, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि हमारे जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसे दोबारा से एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हमारे असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और आपके असाइनमेंट सबमिट ना होने का मेन कारण ये है कि आपके जो स्टडी सेंटर हैं, रीजनल सेंटर हैं, वो क्लोज हैं। कोविड की वजह से आपके सारे रीजनल सेंटर इस समय क्लोज चल रहे हैं। और जैसा कि इग्नू की तरफ से आज एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपके स्टडी सेंटर जो है वो 31 मई तक क्लोज रहेंगे। तो ऐसे में आपके स्टडी सेंटर भी क्लोज है, रीजनल सेंटर भी क्लोज है, तो आप अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? कुछ स्टडी सेंटर और कुछ रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस आई है जिसमें बताया गया कि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं, किसी में बताया गया कि आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने, किसी में बताया गया कि आपको गूगल फॉर्म के जरिए अपने असाइनमेंट सबमिट करने, और किसी में बताया गया है कि आपको बाय हैंड अपने असाइनमेंट सबमिट करने। ऐसे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, क्योंकि अभी तक बहुत सारे रीजनल सेंटर ऐसे भी हैं जिनकी गाइडलाइंस आ ही नहीं है, जिसमें यही नहीं बताया कि हमारे असाइनमेंट कैसे सबमिट होंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करें? स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं और बहुत सारे रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस भी नहीं आई हैं आपके असाइनमेंट को लेकर कि आपके असाइनमेंट कैसे सबमिट हो, क्योंकि आपके रीजनल सेंटर भी क्लोज चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमारे असाइनमेंट सबमिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे लास्ट डेट तक। तो ऐसे में असाइनमेंट की लास्ट डेट दोबारा से एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों, आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट कोविड की सिचुएशन को देखते हुए 15 जून तक दोबारा से बढ़ाई जा सकती है। आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट को 15 जून तक दोबारा से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी 31 मई तक आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 15 जून तक बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इग्नू आपके जो असाइनमेंट की लास्ट डेट है उसे जून, 15 जून तक ही एक्सटेंड कर सकता है, 15 जून तक ही एक्सटेंड कर सकता है, ताकि आप अपने असाइनमेंट जो है वो अपने रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर में ईजिली सबमिट कर सकें, क्योंकि अभी आपके रीजनल सेंटर की अगर गाइडलाइंस नहीं आई है तो ऐसे में आप अपने असाइनमेंट कैसे बनाकर सबमिट करें। इसलिए आपके असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 15 जून तक। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया गया है कि आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 जून तक एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। ऐसे में रीजनल सेंटर क्लोज हैं, इसलिए आपके असाइनमेंट को लेकर आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। दोस्तों, असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, आपको सॉल्व असाइनमेंट या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।